फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। रणबीर ने किया खुलासा, कहा अभी नया नया प्यार है, थोड़ा इंतजार करिए। करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ नजर आ रहे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच इन दिनों अफेयर्स की चर्चा काफी तेजी से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से काफी ज्यादा आगे का है। एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने इस बात में मोहर लगा दी है कि वो आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है। हाल ही में GQ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ अपने अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है। रणबीर ने कहा, हाँ ये सब कुछ अभी नया है, अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी। रणबीर कपूर ने कहा कि नया नया प्यार आपके अंदर बहुत सारी उत्सुकता लेकर आता है, आपकी पुरानी ट्रिक्स अचानक नई हो जाती है। आज मैं पहले से ज्यादा बैलेंस हूँ, मुझे रिश्तों की वैल्यू है। रणबीर ने ये तक कह दिया कि हाँ एक लड़के के तौर पर मुझे उस पर क्रश है। वैसे देखा जाए तो रणबीर ने आलिया के साथ अपने रिलेशन को कंफर्म नहीं किया, लेकिन गौरतलब है कि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है। इससे पहले जब आलिया से रणबीर के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि रणबीर उनके सबसे बड़े क्रश हैं। आलिया भट्ट के साथ अपने रिलेशनशिप की खबर रणबीर ने सबसे पहले दी थी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण को। भले ही रियल लाइफ में इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन ये काफी अच्छे दोस्त हैं और अपनी आपसी बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। रणबीर और दीपिका के एक कॉमन फ्रेंड का कहना है कि ब्रेक के बाद भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अपनी कई सारी सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही रणबीर ने दीपिका को आलिया से रिश्ते के बारे में बताया तो वो काफ़ी खुश भी हो गई। एक्स के बीच में ऐसे रिश्ते कम ही देखने को मिलते हैं और इसी लिस्ट में शामिल है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पंचायती टाइम्स।